हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, जो लखनऊ से आए हुए हैं और बहुजन समाज की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। राजेंद्र साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सुरन जी। जी राजेंद्र साहब, दिल्ली से लखनऊ गया, लखनऊ के आज पूरे देश के अंदर रोजगार बेरोजगार सब जगह अपना हाय-हायकार मचा हुआ है, प्राइवेटीकरण, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्ट्रीमिंग मीडिया है, बड़ा मीडिया है, वहाँ से और अखबारों से कोई भी खबर इस तरह की नहीं छपती है, लेकिन अगर किसी से बात करो या सोशल मीडिया से पता चलता है कि देश के अंदर कितना दर्द है और जंतर मंतर जो हमेशा से ही भरा रहता है, उसके बावजूद भी मीडिया कुछ दिखाता नहीं है, वो पता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात बोली है जी। और क्यों दिखाएगा सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों इन मुद्दों को रखेगा जी? आपको सुबह से लेकर शाम तक यदि कोई भी न्यूज चैनल उठा दें तो देखें सिर्फ और सिर्फ एकदम सत्ता की दलाली पे लगे हुए हैं जी। हर न्यूज चैनल कोई भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, चाहे कोई आंदोलन से संबंधित हो, कोई भी ऐसा मोमेंट है उसको शायद मुझे लग रहा है कि वो इंस्ट्रक्शन है जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मीडिया उस चीज़ को कवरेज ना करे जी। लेकिन या फिर पूरा लोकतंत्र खत्म होने के कगारी पे आ रहा है, मुझे लग रहा है, ऐसा फील होता है कभी कभी, क्योंकि क्यों नहीं उठाएंगे? पत्रकारिता का जो मुख्य धर्म है कि आपको सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठानी है, जो समस्याएं हैं, जो जन आंदोलन हैं, जो जनों की समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उसको आगे रखना है। आप कितना बड़ा, रविदास, अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, रविदास मंदिर तोड़ा गया, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ थी? बिल्कुल नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी स्वस्फूर्त, जो कहते हैं कि सेल्फ, जो इमेजिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो आते हैं कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, ऐसे सब लोग संगठित हुए थे। पूरा जंतर मंतर जाम कर दिया था, जहाँ से लेकर पूरा दिल्ली जाम थी। एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, NDTV में थोड़ा सा आया, वो भी 1-2 क्लिपिंग, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, और बाकी किसी मीडिया में उस आंदोलन को दिखाया नहीं। ये क्रश करने की, डेमोक्रेसी की हत्या, जिसको कहते हैं कि आप हिटलर के समय जो था ना, कि आप सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो ये उससे भी बढ़ के हो रहा है। और आपको ऐसा देशभक्ति का नशा, एक राष्ट्र आंदोलन का नशा, अरे राष्ट्रभक्ति का नशा में आप इस देश का नाश कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति की आपको दवा पिला दी जाती है। अभी बहुत से जो बहुजन हैं, वो जो बेचारे अभी थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, या अभी वो हो सकता है मानसिक समझ नहीं आई हो, वो चीज़ें उतनी नहीं देखी हों, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। इनका प्रोपोगंडा जो है, इसके पीछे का प्रोपोगंडा आप समझिए, पूरा ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर सब इन्होंने मुद्दे गायब कर दिए। GST सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, देखिएगा आप। नोटबंदी, सब, आप सब जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे आप बड़े से बड़े, चाहे हिंदुस्तान के ले लीजिए, चाहे आप विदेश के ले लीजिए, वो सब कह रहे हैं कि इससे बड़ा इकोनॉमी को डैमेज करने वाला कोई कदम नहीं था, लेकिन एक भी कोई चैनल इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इस GST पे, इस नोटबंदी पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हम इस देश को बचाएंगे? सरकारें और सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं। ये मत सोचिए कि मोदी जी के अमर होके आ गए हैं। मोदी जी जाएंगे और मोदी जी ऐसे जाएंगे कि इनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए। अभी जो बहुजन है, जागरूक हो रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, बस ये थोड़ा सा कभी कभी है, हर जगह चेतना है लेकिन संगठन का चेतना नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर आने की कवायद हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं, आज के भी प्रोग्राम में है, कि कहीं ना कहीं से सब लोग जुड़ें। सबकी महत्वाकांक्षा है लेकिन सब जुड़ें, और ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि जैसे ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को इनको नचाएंगे, बताएंगे कि तुम हो क्या, जो आप 15% हो गए, 85%, 90% पर कब्जा जमाए हुआ संसाधनों पे, हम उस संसाधन अब हलक में डाल के लेंगे। अभी तक आप बोलने वाले लोग नहीं थे, वो बाबा साहब की वजह से, हम संविधान की वजह से, इस आरक्षण की वजह से जो हम लोग जो पहुंच गए हैं विश्वविद्यालयों से लेके, और जो हमारे सब युवा वर्ग पढ़ रहा है, और जो जगह जगह अभी आवाज़ उठाने लगे हैं। प्रॉब्लम इनको नहीं है, आप गुलाम बने रहिए, आप IAS भी बन जाइए इनके, जी हजूरी कर, जी सर बोलते रहिए, हाँ सर, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी कि आपने आवाज़ उठा दी इनके खिलाफ, इनकी इनके इनकी नीतियों की आलोचना कर दी, तो इनको पेट में दर्द हो जाएगा, इनको तुरंत कहेंगे कि ये देशद्रोह का काम कर रहा है। अरे इस देशद्रोह के कोई तुम इस नशे में लपेट रहे हो इस देश को, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इस लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये राष्ट्र कैसे बचेगा? राष्ट्र हमेशा लोगों से मिलकर बनता है, ये समझना चाहिए। लोग यदि सुखी हैं, लोग संपन्न हैं, लोग खुशहाल हैं, लोग आपकी नीतियों से प्रसन्न हैं, तब ये देश है, ये राष्ट्र है, तभी समृद्ध है और तभी प्रगतिशील बनेगा जी।
आप थे हमारे साथ राजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि अब जो देश के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है वो 1585 की शुरू हुई है, 85% अब एकजुट होता जा रहा है और एकजुट हो इतना मजबूत होता जा रहा है कि अब इनको आने वाली सरकारों को उनको दिखाई देगा। धन्यवाद साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।